वाले अजमेर से इस बार किस्मत आजमा रहे हैं सचिन पायलट। वही सचिन पायलट जो 2004 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से ही नहीं जीते बल्कि लोकसभा में पहुंचने वाले सबसे युवा सांसद थे। इस बार घर बदलकर दौसा छोड़कर सचिन को अजमेर आना पड़ा है और परिस्थितियां भी सामने हैं जब राष्ट्रीय स्तर के नेता बीजेपी के भी किरण महेश्वरी के नाम पर मैदान में है। लेकिन सचिन पायलट के साथ जो युवाओं का जोश और लोगों का साथ है वो उनका जज्बा भी बढ़ाता है। राजस्थान के अजमेर संसदीय क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे सचिन पायलट पर न सिर्फ राजेश पायलट की वो छवि का कहीं न कहीं लोगों को इंतजार है कि वो जमीन से जुड़ा नेता राजेश पायलट का वाकई क्या सचिन कहीं न कहीं उत्तराधिकारी है। और साथ ही परिसीमन के बाद जिस तरह से बदलाव आया है क्षेत्रों में, तो उस समय दौसा से छोड़कर अजमेर आना पड़ा है सचिन पायलट को। कितनी उम्मीदें हैं पायलट को, उन्हीं से बात करते हैं। सचिन बताइए, क्या लगता है परिसीमन के बाद जो बदलाव आया है, अजमेर आपकी चॉइस थी या फिर पार्टी की फैसला था? परिसीमन की जो प्रक्रिया थी पूरे देश में हुई और उसके बाद अनेक क्षेत्रों में बदलाव आया और मेरा संसदीय क्षेत्र दौसा वो आरक्षित हुआ है। और उसके पश्चात सभी लोगों से चर्चा कर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पार्टी ने मन बनाया है कि मैं अजमेर से चुनाव लड़ूं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का, सोनिया गांधी जी का, कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया और मुझे अवसर दिया कि अजमेर जैसी ऐतिहासिक जगह का प्रतिनिधित्व करने का मुझे एक मौका मिलेगा। और बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर भी और एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में आज बना हुआ है। सचिन को जहां ऐतिहासिक जगह अजमेर से चुनाव लड़ने का कहीं कहीं उत्साह है, वहीं कार्यकर्ताओं में भी इस बात पे कोई दोराय नहीं है कि दौसा से जो लोग कार्यकर्ता, जो जमीनी लोग उनसे जुड़े हुए थे, वो आज भी उनके साथ हैं। लेकिन सचिन, ये बताइए कि अजमेर में जिस तरह से परिसीमन के बाद आपके सामने टक्कर होने वाली है, कांटे का मुकाबला है किरण महेश्वरी, क्योंकि वैश्य वोट भी वहां पर है, आपको डर नहीं लगता? देखिए, मैं ये जाति समीकरण पर अक्सर मीडिया बहुत ज्यादा अपना ध्यान आकर्षित करता है और मुझे लगता है कि जहां 20 लाख लोग रहते हों वहां ये गणित कभी काम नहीं करता। सही बात है, थोड़ा बहुत में असर पड़ता होगा, लेकिन मुख्य रूप से अजमेर ऐसा क्षेत्र जहां पर शहरी मतदाता भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी काफी मात्रा में वहां पे लोग रहते हैं, तो एक अच्छा मिश्रण है। समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, किसान वर्ग भी है और वहां पर कांग्रेस का जो जमीनी कार्यकर्ता है, वहां के जिले के नेता हैं, उन सबके अंदर एक टीम की भावना है। इसलिए मुझे लगता है कि वहां पर निश्चित रूप से लोग चाहेंगे कि एक नौजवान वर्ग के व्यक्ति को एक मौका मिले। और अजमेर में कांग्रेस संसदीय चुनाव को ज्यादा बार जीती नहीं है, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल विपरीत दिखने को मिलता है और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए निश्चित रूप से लोग वहां पर कांग्रेस को मौका देंगे। बहुत बड़ी बात कही आपने कि जातिवाद में आप ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अजमेर, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य है, अजमेर का चुनाव भी इसीलिए किया, तो आपको लगता है कि युवा नेता के रूप में आप जब पिछली बार आए थे लोकसभा में तो सबसे पार्लियामेंट में बैठने वाले सबसे युवा नेता थे, पढ़े लिखे भी हैं, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं कास्टिज्म और गहरा होता जा रहा है? हो रहा है और एक बहुत अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन हम सबको बात समझनी चाहिए कि आज आजादी कितने 60 साल के बाद भी, 62 साल के बाद अगर कोई ऐसा वर्ग है जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करता है और वो वर्ग जो समाज में पिछड़ा हुआ है या जिसको आज सहयोग की जरूरत है सरकार की या समाज की या नेताओं की, उसको मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक डिस्पैरिटी है जो मदद और सहायता 1947 में
पूछी गई थी मिलेगी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, वो नहीं मिल पा रही, तो वहां पर एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। इस वजह कई जगह लोगों के मन में भाव आते हैं कि ये न्याय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव जो है नेशनल चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, तो लोग राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखेंगे, और जिस प्रकार की सरकार मनमोहन सिंह जी ने दी है पिछले 5 साल में, उससे एक कोलिशन तो है लेकिन एक स्टेबल कोलिशन रही है, और लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, एक साफ छवि के, स्वच्छ छवि के, एक बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका एक नेतृत्व बना है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट की आपने बात कही, नो डाउट कि पहली गवर्नमेंट थी कॉलिशन जो कि स्टेबल रही, इससे पहले वाजपेयी जी ने भी अपना कार्यकाल 4 महीने पहले ही पूरा कर दिया था। क्या लगता है आने वाली सरकार भी कॉलिशन ही होनी है? हमारी पूरी कोशिश है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, और मुझे विश्वास भी है कि हम लोग जरूर बहुमत लेकर आएंगे, लेकिन ये कोलिशन के सरकारें पिछले 4-5 सरकारें बनी हैं, लेकिन जनता चाहती है कि एक स्टेबल कोलिशन हो। अब बाकी दुनिया भर के नए नए हम सुनते हैं, रोज अखबार में पढ़ते हैं कि नए नए फ्रंट बन रहे हैं, 4th, 3rd, 6th, 8th की कोई अंत नहीं है, लेकिन अंततः लोग चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय नेतृत्व मिले जहां पर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, और जो नेशनल इश्यूज हैं उनको लेकर जो व्यक्ति सत्ता दे सकता है, कमान संभाल सकता है, उस पर लोग जनता भरोसा व्यक्त करेंगे। सचिन पायलट भी अपने आप को राष्ट्रीय नेता मानते हैं, नो डाउट है भी क्योंकि राजेश पायलट का, लेकिन कहीं न कहीं वंशवाद, आपको लगता है कि अगर राजनीति में आप राजेश पायलट के बेटे नहीं होते तो भी क्या राजनीति आपका? इतनी बड़ी भूल मैं नहीं करता कि मैं अपने आप को नेता या राष्ट्र नेता की बात करूं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनने का मौका दिया। अब जनता की सेवा करने के लिए अगर ये प्लेटफॉर्म हमने चुना है तो उसका पूर्ण रूप से हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, और लोगों के दिल और दिमाग में अगर एक अपना कुछ अच्छी पैर छोड़ जाएं वो बहुत बड़ी कमाई होती है। जहां तक उन वंशवाद की बात है, अगर कोई राजनीति में आता है और उसके परिवार के या उसके पृष्ठभूमि में राजनीति है तो उसको अयोग्य कर देना वो ठीक नहीं है। अगर आप जनता के बीच जाते हैं, जैसे मैंने कहा 15-20 लाख मतदाता हैं, अगर आप चुनकर भेजते हैं तो फिर ये उनकी जो कलेक्टिव मैंडेट है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए, और जो चुनाव लड़कर जीतकर आते हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं, अगर नहीं करते तो चुनाव जीत के ही नहीं आते। तो चुनाव जीतने के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना जरूरी है। साथ ही बात सचिन जो कर रहे हैं वो ये है कि राजनीति भी कहीं न कहीं दिलो दिमाग से जुड़ी है, लोगों का दिल जीतने की जरूरत है। और परिवार की बात कहें तो कांग्रेस पार्टी के बहुत अहम सदस्य अपने आप को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर सचिन के परिवार के लोग भी हैं और उनके साथ 24 घंटे में हम बात करेंगे उनसे, उनकी पत्नी सारा से, उनकी माँ रमा पायलट से, जिनका कहीं न कहीं बहुत अहम रोल है सचिन को यहाँ तक पहुँचाने में। पायलट के बेटे सचिन पायलट हैं, अजमेर के लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर चढ़ाया है, लेकिन रमा जी दौसा छोड़कर यहाँ अजमेर में आए हैं, क्या लगता है अजमेर में कहाँ लोग आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप देखते आ रहे हैं क्योंकि दौसा के लोग भी साथ भाग रहे हैं जबकि हम रोक रहे हैं, पर यहाँ का हर जन जन अपने साथ है, पहले से भी अपने लोग साथ रहे, युवा साथ है, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। राजेश पायलट का कहीं न कहीं जो जुड़ाव लोगों से दिल से जुड़ा हुआ था, आपको लगता है कि अजमेर में वो वोटों में तब्दील होगा? नहीं, वो अजमेर में मैंने भी काम किया है, मैं भी बहुत बार बहुत फंक्शन बहुत कार्यक्रम, जैसे महाराज जब प्रधानमंत्री थे उनकी मीटिंग मैंने कराई, तो बहुत पुराने जानकार हैं यहाँ के, सब लोगों को जानते हैं पहचानते हैं,